हेलो एवरीवन, मैं भी पांची गोस्वामी। आज का डेट है 4 जनवरी 2020। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो आज के करंट अफेयर्स है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए आज का डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। आज का पहला जो टॉपिक है वो है पीएम नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में जो थर्ड इंस्टॉलमेंट जो है वर्थ 12,000 करोड़ उसको रिलीज़ किया है हाल ही में, जो कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का जो थर्ड इंस्टॉलमेंट है तो उसको रिलीज़ किया है हाल ही में। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो 2 जनवरी 2019 को कर्नाटका में जो तुमकुर है वहाँ पे एक पब्लिक मीटिंग में हमारे इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, उन्होंने ये घोषणा किया है द रिलीज ऑफ द थर्ड इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान वर्थ 12,000 करोड़। और इस थर्ड इंस्टॉलमेंट के अंडर पीएम मोदी ने यह भी घोषणा किया है द रिलीज ऑफ ₹2,000 ईच टू द बैंक अकाउंट्स ऑफ मोर देन 6 करोड़ फार्मर्स। और ये जो अमाउंट जो है वो अभी दिसंबर 2019 और मार्च 2020 के बीच के अवधि के लिए इसको मतलब रिलीज किया जा रहा है। और ये जो है ये अभी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंडर लास्ट इंस्टॉलमेंट होगी। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। द नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है स्टीप राइज जो है जो कि महाराष्ट्र में जो है अभी आत्महत्या जो है किसानों के वो बढ़ गई है, जो कि 4 ईयर्स में ये हाईएस्ट हो गया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो 2019 के नवंबर में जो कि फार्मर्स का जो सुसाइड जो है वो अभी उसकी संख्या में मतलब बढ़ोतरी हुई है, 300 केसेस जो है बढ़ गई है अभी इसमें महाराष्ट्र में। और ये जो स्टीप इंक्रीज इन फार्मर सुसाइड जो है वो अभी कई कई बार तो 300 भी पार कर गई है। और ये जो है 2015 से ये हाईएस्ट नंबर है। और फार्मर सुसाइड जो है स्टेट में वो अभी 2018 की तुलना में 2019 में 61% बढ़ गई है। और दिस वाज प्राइमरली ड्यू टू अनसीजनल रेन्स दैट लैश द स्टेट इन अक्टूबर एंड नवम्बर। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। द नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज है वो अभी टचेस ऑल टाइम हाई ऑफ 457.468 बिलियन US डॉलर। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो आरबीआई ने ये अनाउंस किया है, ये घोषणा किया है कि जो इन द वीक दैट एंडेड ऑन December 27, 2019 फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ इंडिया में जो है अभी 2.52 बिलियन US डॉलर की वृद्धि हुई है। और सेंट्रल बैंक ने ये भी कहा है कि कंट्री का जो स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स है विद द IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड वो अभी 2 मिलियन US डॉलर से कम हो गया है। और जो रिजर्व पोजीशन है वो अभी बढ़ के 58 मिलियन US डॉलर हो गया है। एंड करेंटली इंडिया SDR विद द IMF इज 1.4441 बिलियन US डॉलर एंड द रिजर्व इज 3.7 बिलियन US डॉलर। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। द नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है 171 जो हॉस्पिटल्स है उनको डी इम्पेनल्ड कर दिया गया है अंडर योर आयुष्मान भारत स्कीम। तो ये उसी से रिलेटेड है। 3 जनवरी 2020 को अराउंड 171 जो हॉस्पिटल्स है उनको अभी डी इम्पेनल्ड कर दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर फॉर कमिटिंग फ्रॉड उनके लिए उनके द्वारा ये किया गया है। और मतलब जो फ्रॉड जो किया था तो उसी की वजह से मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने अराउंड 171 जो हॉस्पिटल्स है उनको अभी डी इम्पैनल कर दिया है 3 जनवरी 2020 को। और मिनिस्ट्री ने अभी जो है 4.5 करोड़ का जो एक जो फाइन है उसको भी इम्पोज किया था। और ये जो FIR जो है वो अभी झारखंड स्टेट्स और उत्तराखंड के जो 6 हॉस्पिटल्स है उसके ऊपर जो FIRs है उसको दर्ज किया था। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो है अभी हाल ही में साइबर सेफ वीमेन इनिशिएटिव को लॉन्च किया है अपने स्टेट में। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो है 3 जनवरी 2019 को अपने स्टेट में एक जो साइबर सेफ वीमेन कैंपेन है उसको लॉन्च किया है, जो कि इंडियन सोशल रिफॉर्मर सावित्री बाई फुले के बर्थ एनिवर्सरी पे ये किया गया है। और ये जो साइबर सेफ वीमेन का जो इनिशिएटिव है वो मतलब रिगार्डिंग द एट्रोसिटीज कमिटेड अगेंस्ट वीमेन एंड चिल्ड्रेन एज वेल एज द लॉज रिगार्डिंग साइबर क्राइम, तो उसके ही बारे में जो अवेयरनेस जो है जो जागरूकता है उसको फैलाना ही इस साइबर सेफ वीमेन इनिशिएटिव का
एम है, तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। द नेक्स्ट जो टॉपिक है वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने जो है अभी NEST को क्रिएट किया है, तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है, उसको मतलब उसकी स्थापना की है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने जो कि एक जो न्यू जो डिवीजन है जिसको नेस्ट कहा जाता है, न्यू एंड इमर्जिंग स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज, तो उसकी स्थापना की है। और ये जो डिवीजन जो है वो अभी जो कि इन्वेस्टमेंट कोऑर्डिनेशन अमंग द स्टेट्स ऑफ द कंट्री एंड आल्सो विद द फॉरेन कंट्रीज, तो उसको बढ़ाने में काम करेगी ये डिवीजन, तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। द नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है फर्स्ट सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट जो है वो अभी गुजरात में पटोला साड़ी की प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए मतलब इसको प्रोसेसिंग में है, ये जो फर्स्ट सिल्क जो है मतलब गुजरात में अभी किया जाएगा ये, तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो 3 जनवरी 2020 को खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन KVIC जो है उन्होंने अभी फर्स्ट जो पटोला साड़ी प्रोडक्शन यूनिट है उसको गुजरात में इनोग्रेट किया है। और ये जो है ये भी कॉस्ट ऑफ सिल्क यर्न प्रोडक्शन को कट डाउन करने में हेल्प करेगा, और जो कि सेल ऑफ रॉ मटेरियल फॉर पटोला साड़ीज है उसको बढ़ाएगा इसको, तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है 2636 EV चार्जिंग स्टेशंस को जो है अभी सैंक्शन कर दिया गया है, तो ये उसी से रिलेटेड है। डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस के अंडर ऑपरेट करती है, उन्होंने अभी 2636 इलेक्ट्रिक व्हीकल EV चार्जिंग स्टेशंस को FAME इंडिया स्कीम फेज 2 के अंडर सैंक्शन कर दिया है। और ये जो स्टेशंस जो है वो अभी 24 स्टेट्स के 62 सिटीज में और यूनियन टेरिटरीज में इसकी स्थापना की जाएगी, तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। द नेक्स्ट जो टॉपिक है वो जनरल बिपिन रावत जो है उन्होंने अभी एक प्रस्ताव रखा है टू क्रिएशन ऑफ एयर डिफेंस कमांड, तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो इंडिया के जो फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है जनरल बिपिन रावत, उन्होंने अभी द क्रिएशन ऑफ एन इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस कमांड टू बूस्ट द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया स्काइज, उन्होंने ये प्रस्ताव रखा है। और ये जो है ये उनका जनरल का जो है आफ्टर ही टुक चार्ज एज द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑन January 1, 2020 उनका ये वन ऑफ द फर्स्ट डिसीजन है। और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है उन्होंने इसको अभी मतलब 30 जून को मतलब एज द डेडलाइन टू सबमिट द प्रपोजल फॉर द सेम डे फॉर द सेम उन्होंने ये प्रपोज किया है इस डे को, तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। द नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है US आर्मी ने जो है अभी ईरानियन जो कमांडर है सोलेमनी उनको मार दिया है, तो इंडिया ने कंसर्न व्यक्त किया है, तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। 3 जनवरी 2020 को US आर्मी ने जो है ईरान के जो मोस्ट पावरफुल मिलिट्री कमांडर है जनरल कासिम सुलेमानी उनको मार डाला, और उनको बगदाद एयरपोर्ट में मारा गया था उनको। और US फोर्स ने बगदाद एयरपोर्ट में एक ड्रोन स्ट्राइक जो किया था उसी में उनको मारा गया था। और ईरानियन कमांडर जो है उनको अभी उन अदर जो ईरान सपोर्टेड मिलिशिया हेड्स थे उनके साथ मारा था उनको, और उनके लीडरशिप के अंडर ईरान जो है अंडर हिज लीडरशिप ईरान हैड एक्सपांडेड इट्स मिलिट्री प्रेजेंस इन सीरिया एंड इराक, तो सीरिया और इराक में जो है जो मतलब मिलिट्री प्रेजेंस जो है ईरान का वो अभी उनके लीडरशिप के अंडर एक्सपांड किया गया था, तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है पीएम मोदी ने जो है अभी जो कि सावित्री बाई फुले के बर्थ एनिवर्सरी पे उनको श्रद्धांजलि अर्पित किया है, तो 3 जनवरी 2020 को हमारे इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी उन्होंने इंडिया के जो सोशल रिफॉर्मर सावित्री बाई फुले हैं उनके बर्थ एनिवर्सरी पे उनको श्रद्धांजलि दिया है। और उनकी जन्म जो हुई थी 3 जनवरी 1831 को हुई थी, और सावित्री बाई जो है उनको भारत के पहले फीमेल टीचर के तौर पे जाना जाता है, और उन्होंने अभी देश में जो विमेन राइट्स को इम्प्रूव करने के लिए एक वाइटल रोल प्ले किया था। और उनको जो है अभी मदर ऑफ इंडियन फेमिनिज्म के तौर पे भी माना जाता है, और उन्होंने अपने हस्बैंड ज्योतिराव फुले के साथ मिलके जो फर्स्ट इंडियाज गर्ल्स स्कूल है वो 1848 में पुणे में स्थापित किया था, तो
तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है जनवरी 4 जो है उसको अभी वर्ल्ड ब्रेल डे के तौर पे मनाया जाता है। तो हर साल जो है 4 जनवरी को जो कि लुई ब्रेल का जो बर्थ एनिवर्सरी है उसको मनाने के लिए वर्ल्ड ब्रेल डे के तौर पे 4 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। और लुई जो है वो अभी ब्रेल के इन्वेंटर थे जो कि ब्लाइंड पीपल के लिए रिटन लैंग्वेज है। और वर्ल्ड ब्रेल डे जो है उसको अभी यूनाइटेड नेशंस के द्वारा और जो बाकी जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस है उनके भी द्वारा इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और 2018 के नवंबर में यूएन ने अभी एक जो रिजोल्यूशन है इन ऑर्डर टू सेलिब्रेट द डे पास किया था। और ये जो डे जो है इसकी जो फर्स्ट जो सेलिब्रेट है उसको जनवरी 4 2019 को किया गया था। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। द नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स जिसको अभी गुवाहाटी में होना है मतलब आयोजित किया जाएगा। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम जो है उसको अभी 10 फरवरी 2020 से 22 फरवरी 2020 के बीच में आसाम के गुवाहाटी में आयोजित किया जाएगा। और इसको जो है हर साल नेशनल लेवल मल्टी डिसिप्लिनरी ग्रास रूट लेवल गेम्स जो है ये कंडक्ट किया जाता है अंडर खेलो इंडिया यूथ गेम्स इवेंट। और ये जो गेम्स जो इसमें इस गेम में जो है अभी 2 कैटेगरीज नेमली अंडर 17 ईयर स्कूल स्टूडेंट्स एंड अंडर 20 ईयर कॉलेज स्टूडेंट्स शामिल होते हैं। और इस इवेंट के अंडर जो है इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट्स में प्रिपेयर होने के लिए उनको 5 लाख का जो एनुअल स्कॉलरशिप है 1000 किड्स को दिया जाता है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो आज के लिए इतना ही है, कल हम फिर मिलते हैं नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए जो है हमारा ये जो चैनल है उसको देखते रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा क्योंकि आपका ये जो सपोर्ट है वो हमें बहुत ही मोटिवेट करता है हार्डवर्क करने के लिए। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़। और कोई अगर सुझाव हो तो कमेंट करना मत भूलिएगा। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़। टेक केयर। जय हिंद।